पैकेजेस, प्रोप्राइडर मिस्टर आशीष कपूर, अरोरा ट्रेडर्स सरकंडा, प्रोप्राइडर मिस्टर मनीष अरोरा, ममाया टेंट एंड केटरर्स सरकंडा, प्रोप्राइडर मिस्टर रविंद्र देवांगन, बिलासपुर मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, राजू प्लाजा बिलासपुर, प्रोप्राइडर मिस्टर पिंटू यादव, कार गैरेज सिपा चौक सरकंडा बिलासपुर, प्रोप्राइडर मिस्टर पंकज साहू, रियल टेल्स एक्सप्रेस नेटवर्क, प्रोप्राइडर मिस्टर सौरभ कुमार, द कास्मे केयर सुभाष कॉम्प्लेक्स के सामने जरहाबांटा चौक बिलासपुर। टीम में यह आने वाला मैच अब आप लोगों के समक्ष पेश होगा। प्लेइंग यंगिस्तान का प्लेइंग 11 को भेजवा देंगे कमेंट्री बॉक्स पर। यहां से डिलीवर कर दिया गया है, कुछ ही सेकंड्स में आपके पास पहुंच जाएगी। दौड़ के जा टॉस की बताएंगे विकास पाल जी, महादेव मेडिकल के प्रोप्राइटर। टीम संभवतः केजीएफ ने टॉस जीतकर प्रथम बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। जल्द से जल्द फील्ड सजा लेंगे टीम यंगिस्तान, और आपसे आग्रह है कि आप पवेलियन ए में अपनी जगह सुनिश्चित करेंगे टीम यंगिस्तान। विवेक ताम्रकार जी से आग्रह करूंगा कि यह जानकारी दे दें कि टॉस की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद टॉस की जीत के पक्ष में केजीएफ ने जीत कर प्रथम बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। केजीएफ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है, और अब आज टॉस की प्रक्रिया संपन्न कराकर वापस आते हुए हमारे आज के अतिथि विकास पाल जी, महादेव मेडिकल के प्रोप्राइटर, बैकुंठपुर कटकोना से आए हुए हमारे आदरणीय बड़े भाई। और यंगिस्तान और केजीएफ के बीच यह मैच, केजीएफ की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है। यंगिस्तान के प्लेइंग 11 से अनुरोध करूंगा कि यहां पे कोई सदस्य भेज दें अपने टीम के कमेंट्री बॉक्स पर। शिवा कौशिक जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स पर आए, बहुत ही आवश्यक कार्य आपसे है। हमारे बीच उपस्थित केजीएफ टीम के बड़े भाई जो कि स्वयं रायगढ़ से हमारे बीच उपलब्ध हुए हैं, वे आपको एक सूचना देंगे। केजीएफ जो कि टीम है जिसका पूरा नाम कोनी ग्रीक फाइटर है। धन्यवाद आदरणीय कोनी ग्रीक फाइटर्स, ग्रीक से आए हुए फाइटर्स जो कि अभी कोनी में स्थित हैं, कोनी ग्रीक फाइटर्स। टीम केजीएफ के कोई अतिरिक्त खिलाड़ी हो तो वो कृपया कमेंट्री बॉक्स पर आए।
स्वर्गीय श्री उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित विनीत कप 2021 दसवां संस्करण, जिसमें आज का मैच करण मेहता जी वर्सेस यंगिस्तान के आपसे कुछ कहना चाहते हैं हमारे भाई आलोक भाई जी, कृपया मैच जल्दी प्रारंभ कराएं। हमारा दोनों ही एम्पायरों से अनुरोध है, जल्द से जल्द मैच आरंभ कराएंगे। रितेश राय जी, करण मेहता जी, आपको मैच से पूर्व यह जानकारी देना चाहूंगा कि अभी जो मैच खेला जाना है, अगर इसमें कोई भी टीम जीत हासिल करती है वो इस कार्यक्रम के दूसरा सेमीफाइनलिस्ट होंगे 2020-21 के। टीम केजीएफ के एक अतिरिक्त प्लेयर होंगे तो वो कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए और अब पिच के समीप जाते हुए टीम केजीएफ के बल्लेबाज मैच के प्रारंभ होने से पहले अब जीतू और घनश्याम पिच के समीप पहुंच चुके हैं और यंगिस्तान अपनी फील्ड की सजावट करती हुई आप लोगों को दिख रही होगी। मैच प्रारंभ होने से पूर्व आपको मैं यह जानकारी दे दूं कि स्ट्राइक पर हैं जीतू और नॉन स्ट्राइक पर घनश्याम और यंगिस्तान के बॉलर वीरू। वीरू की गेंद का सामना करेंगे जीतू, बहुत ही प्यारा प्रहार, पहली ही बॉल। अब एम्पायर इसके आगे की जानकारी देंगे। चार रन का आप लोगों के सामने यह नज़ारा, बहुत ही प्यारा और सटीक निशाना बाउंड्री लाइन के बाहर एक टप्पा के बाद। पहली ही बॉल केजीएफ की टीम के बल्लेबाज जीतू के द्वारा चार रन का प्रहार आप लोगों के सामने देखने को मिला है। अब वीरू की अगली गेंद का सामना करेंगे जीतू और टीम का पहली बॉल के बाद स्कोर जा पहुंचा है चार रन बिना किसी नुकसान के। मारने की अच्छी कोशिश लेकिन डॉट बॉल। केजीएफ की टीम का बढ़ता हुआ स्कोर चार रन और वीरू के अगली गेंद का सामना करेंगे जीतू और अच्छी कोशिश लेकिन नाकाम रहे और यहां पे जीतू के बल्ले से एक और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर अब पांच रन तीन बॉल के बाद। वीरू की अगली बॉल सामना करेंगे घनश्याम, बहुत बढ़िया प्रयास लेकिन एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। केजीएफ की टीम का स्कोर अब छह रन चार बॉल के बाद। और अब वीरू की गेंद का सामना करेंगे जीतू, बहुत अच्छा प्रयास और सीधा सीधा सीमा रेखा के बाहर चार रन। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर दस रन पहुंच चुका है पांच बॉल के बाद।
और वीरू की अगली गेंद का सामना करेंगे जीतू। अच्छा प्रयास, सिर्फ और सिर्फ एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे थे आयोजन समिति के विकास सिंह, जहां कहीं भी हो मंच पे आके संपर्क करेंगे। आयोजन समिति के विकास सिंह ठाकुर, आयोजन समिति के भाई विकास सिंह ठाकुर, सिल्वर एक्टिवा वाले, जहां कहीं भी हो वो कमेंट्री बॉक्स के पास से थोड़ा सा आगे जाके मंच के पास मिलेंगे। और एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 11 रन। और अब अगला ओवर लेकर आए हैं आदि, 11 रन एक ओवर की समाप्ति के बाद। जीतू के बल्ले से 10 रन निकल कर आए हैं और घनश्याम के बल्ले से एक रन। अब आदि की गेंद का सामना करेंगे जीतू। देखते हैं आने वाले इस ओवर में परिणाम कैसा और कहां तक जाएगा और कितने रन बल्लेबाज बॉलर के बॉल फेंकने के बाद चुरा सकता है। आदि की अगली बॉल का सामना करेंगे जीतू। जबरदस्त प्रहार और बिना किसी रोक टोक के 6 रन, बाउंड्री लाइन के सीधे बाहर, सीमा रेखा को चीरती और सनसनाती हुई बॉल बाहर जाती दिखी आपको। और अब टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। जीतू के बल्ले से निकला है 6 रन। आदि ने फिर से बॉल फेंकी और यहाँ पर देखना पड़ेगा, बहुत अच्छी फील्डिंग और यहाँ पे सिर्फ 2 रन सफल चोरी करने में बल्लेबाज जीतू। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का 10वां संस्करण विनीत कप 2021 खेल परिसर मैदान सरकंडा। उपस्थित सभी दर्शकों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं आयोजन समिति की ओर से। अब आदि की गेंद का सामना करेंगे जीतू। जीतू के बल्ले से अब तक 18 रन आ चुके हैं और घनश्याम ने अब तक बनाया है 1 रन। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। आदिल की अगली बॉल शॉट मारने की बहुत अच्छी प्रयास, लेकिन बॉल पैर पर जा लगी और लेग बॉल। बीस रन अब तक बन चुके हैं और एक अच्छा शॉट घनश्याम के बल्ले से। आदि को घनश्याम ने अभी एक छक्का मारा है और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 26 रन। टीम का कुल योग जा पहुंचा है 26 रन। और अब सामना करेंगे घनश्याम आदि की बॉल का। अच्छा प्रयास, लेकिन बॉल डायरेक्ट बॉलर के हाथों में, तो रन चुराने में असफल हुए घनश्याम। शॉट मारने की कोशिश, लेकिन पैर, यहां पर देखना होगा नजारा अब क्या है। एम्पायर अब डिसीजन आगे की जानकारी देंगे। श्री रितेश राय जी काफी मशहूर एम्पायर हैं। और यहां पर निर्णय आया है नॉट आउट का। टीम का 2 ओवर की समाप्ति के बाद केजीएफ के टीम का स्कोर जा पहुंचा है 26 रन बिना किसी नुकसान के। यंगिस्तान की टीम से अगला ओवर लेकर आए हैं अजहर।
और अजहर की गेंद का सामना करेंगे चित्तू। और बताना चाहूंगा केजीएफ की टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 26 रन दो ओवर की समाप्ति के बाद। जीतू और घनश्याम बल्लेबाजी पर हैं। अजहर की अगली बॉल, सामना करेंगे जीतू। जीतू ने अब तक 18 रन बना चुके हैं, घनश्याम 7 रन पर हैं। टीम का बढ़ता हुआ योग जा पहुंचा है 26 रन। अजहर की ये बॉल और डॉट बॉल। और आप सुन रहे थे एफएम बैंड 103.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र, लता मंगेशकर का संगीत, मजनू सुल्तानपुरी की बोल, एआर रहमान का निर्देशन। अजहर की अगली गेंद का सामना करेंगे जीतू। टीम का बढ़ता हुआ योग जा पहुंचा 26 रन और ये अच्छा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन यहां पर फील्डर बॉल को पकड़ने में सफल हुए और एक रन से ही केजीएफ के बल्लेबाज जीतू को संतुष्ट होना होगा। और मंच पर बड़े भाई आलोक घई जी और विवेक ताम्रकार जी, आपका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। अजहर की बॉल का सामना करेंगे घनश्याम। कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, ऐसे में याद रहे घर से निकलने से पहले मुंह पर मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें चाहे वो कहीं का भी हो। और अजहर की अगली गेंद का सामना करेंगे घनश्याम और ये अच्छा प्रयास, लेकिन एक रन से ही संतुष्ट होना होगा। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। रात 1 बजे की बुलेटिन में आप देख रहे हैं या केजीएफ और यंगिस्तान का मैच। मैं आप सभी को बता दूंगा कि इस मैच का लाइव प्रसारण किया जा रहा है यूट्यूब चैनल पर विनीत का बिलासपुर के पेज पर। प्रयास अच्छा लेकिन विफल हुए बल्लेबाज जीतू। कमेंट्री का भार संभाल रहे हमारे बहुत ही सुरीले आवाज के भाई प्रणव मिश्रा, जिन्हें हम प्यार से मिक्की मिश्रा जी के नाम से जानते हैं। आगे धन्यवाद 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 आभार व्यक्त करता हूँ आपका। ये अगली बॉल जीतू सामना कर रहे थे, अजहर की बॉल कर इतना गगनचुंबी प्रहार, कार का कांच फूटता हुआ आप लोगों के सामने, बैसाखू गैरेज में कल सुबह छोड़ दिया जाएगा, पर आप लोग तालियों के साथ मनोरंजन और गड़गड़ाहट को बरकरार रखें। बड़े भाई करण मेहता जी, आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये भी काफ़ी जाने माने और ख़तरनाक मशहूर एम्पायर हैं। ये अभी गतौरी में पिछले 65 दिनों से एम्पायरिंग कर रहे थे, उन्हें पुनः यहाँ तक खींच कर लाया गया है काफ़ी मशक्क़त के बाद। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। घनश्याम के बल्ले से 8 रन और जीतू के बल्ले से 25 रन। अजहर के बीते हुए ओवरों में 8 रन आए। और रिले एक्स अगरबत्ती यहाँ पर जला दिया जाए जो नीचे में रखा हुआ है। मच्छरों का प्रहार बहुत ही घातक जीतू के बल्ले की तरह हो रहा है, कंटिन्यू कूट रहे हैं। और अब रवि आए हैं और उसके बॉल का सामना करेंगे घनश्याम। और रवि की अगली बॉल का सामना करेंगे घनश्याम। बहुत ही सुंदर प्रयास और आप लोग देख रहे हैं एक रन से संतुष्ट होकर और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। रेड एफएम से बउआ बोल रहा हूं। और रवि की अगली गेंद का सामना करेंगे जीतू। जीतू अब तक 25 रन बना चुके हैं। रवि की अगली गेंद का सामना करते हुए जीतू, बहुत तगड़ा प्रहार और 6 रन, लेकिन बाहर बैठे हमारे दर्शक उसे पकड़ नहीं पाए, इसका अफसोस जरूर रहेगा। प्रयास के लिए उनका धन्यवाद। जीतू अब जा पहुंचे हैं 31 रन पर। टीम का बढ़ता हुआ योगदान केजीएफ की टीम का बढ़ता योग पहुंच चुका है 41 रन। रवि की अगली गेंद का फिर से सामना करेंगे जीतू। छक्कों के बेताज बादशाह लग रहे हैं जीतू और ये फिर बोलने के बाद एक बार और प्रहार करने की कोशिश, लेकिन बॉल फील्डर के हाथों में और टीम का बढ़ता हुआ योग जा पहुंचा है 41।
रवि की बॉल का सामना करेंगे जीतू, फिर उनसे उम्मीद, और यह उम्मीद पर खरा उतरते दिख रहे हैं, लेकिन नजारा हम थोड़ा सा रुक के बताएंगे। और यहां पे एक घातक नुकसान केजीएफ के बल्लेबाज जीतू को, छक्कों के बेताज बादशाह जीतू यहां पे अपना विकेट गिरवाकर जा रहे हैं। और टीम के अगले बल्लेबाज होंगे अभिषेक, और जय श्री राम का उद्घोष। टीम केजीएफ के बल्लेबाज हैं अभिषेक, और टीम केजीएफ के कप्तान घनश्याम अब स्ट्राइक पर, और रवि की बॉलों का सामना करेंगे। और रवि की अगली बॉल बहुत ही सुंदर प्रहार, और सिर्फ एक रन से ही संतुष्ट होना होगा। केजीएफ की टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 42 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। रवि की बॉल अब सामना करेंगे घनश्याम, क्षमा चाहूंगा अभिषेक। टीम का बढ़ता हुआ योग जा पहुंचा है 42 रन रवि की बॉल, और रवि की बॉल का सामना करेंगे अभिषेक। और यह मैच आपको जानकारी देना चाहूंगा, यंगिस्तान वर्सेस केजीएफ के मध्य खेला जा रहा है, समिति के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का यह 20वां मैच। बहुत ही सुंदर प्रहार और सीधा स्टेज मंच के पास बॉल, 6 रन टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 48 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप 2021 का यह 10वां गौरवशाली वर्ष क्रिकेट का रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का महासंग्राम चलता हुआ दोस्तों, जिसका लुत्फ उठा रहे हम सभी, आप सभी दर्शक भाइयों बंधुओं का, क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, नंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। उन दोस्तों का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है जो ना कि सिर्फ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बल्कि भारतवर्ष के किसी भी कोने से घर बैठे विश्व के सबसे बड़े लाइव चैनल यूट्यूब के माध्यम से विनीत कप का लुत्फ उठा रहे हैं, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और इस मैच की दिलचस्प कमेंट्री करते, मैच का आंखों देखा हाल सुनाते मेरे भाई आयोजन समिति के प्रणव मिश्रा मिक्की, आप सभी का मनोरंजन करते हुए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद केजीएफ की टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 48 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। घनश्याम ने बनाए हैं 10 रन और अभिषेक के बन चुके हैं 6 रन। अगले बॉलर हैं मनीष, जिनके बॉल का सामना करेंगे घनश्याम। यंगिस्तान वर्सेस केजीएफ के बीच यह मैच आप देख रहे हैं, और आप इसे यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि अपने फोन में यूट्यूब से यह मैच को देख सकते हैं। और मनीष की अगली बॉल का सामना करेंगे घनश्याम, और एक अच्छा प्रयास, और सिर्फ एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। और मनीष की अगली गेंद का सामना करेंगे अभिषेक। टीम का बढ़ता हुआ योग 49 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। और यहां पे एम्पायर, थोड़ी देर में आपको नतीजा हम फिर से बताना चाहेंगे कि 49 रन के बाद। प्रणव, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे मंच पर उपस्थित अरोरा ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर भाई मनीष अरोरा जी उपस्थित है, उन्हें पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा प्रयास जो चल रहा है वो उसको देने के बाद और सफल कर देंगे। धन्यवाद विशाल ताम्रकार। भाई विकास ठाकुर भी मौजूद हैं, उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहता हूं शरकंडा के मैदान में। और विकेट का नजारा आप देख सकते हैं यहां पे लगे हुए स्क्रीन पर।
मयंक सिंह गौतम। और मनीष की अगली गेंद का सामना करेंगे सन्नी। 49 रन केजीएफ के बन चुके हैं। मारने की कोशिश थी लेकिन बैट और बल्ले का कोई तालमेल नहीं। केजीएफ की टीम का बढ़ता हुआ योग जा पहुंचे 49 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। 4 ओवर की 3री बॉल कंप्लीट। और मनीष की अगली बॉल सामना करेंगे सन्नी। कोशिश बहुत जबरदस्त लेकिन अब भाई आगे करना चाहिए। नया मोबाइल लेने पे हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और आपको जानकारी देना चाहूंगा टीम केजीएफ के 50 रन पूरे हो चुके हैं 4 ओवर की 4 बॉल पर 2 विकेट के नुकसान के बाद। कोशिश अच्छी लेकिन बॉल डायरेक्ट कीपर के हाथों पर। एम्पायर के द्वारा दोनों हाथ फैलाकर व्हाइट का इशारा। इंक्यावन रन। मनीष की बॉल का सामना करेंगे घनश्याम जो कि अभी 11 रन पर हैं। कोशिश बहुत तगड़ा जबरदस्त उम्दा लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज घनश्याम का। और टीम का बढ़ता हुआ योग जा पहुंचा है 52 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं मनीष के द्वारा डाला गया है ओवर जिसमें 4 रन आए हैं 1 विकेट की सफलता पाने के बाद। स्वर्गीय श्री उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित विनीत कप 2021 कार्यक्रम का 10वां संस्करण रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित आप सभी और समिति के सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। घनश्याम फिर से सामना करेंगे अगले बॉलर रेती गिट्टी वीरू का। अरोरा ट्रेडर्स में संपर्क करेंगे। रेती गिट्टी और कुछ भी चाहिए जीरो गिट्टी ट्रैक्टर पर मनीष अरोरा संपर्क कर सकता तुमन भाइयों बहनों। चश्मा लगाते हैं व्हाइट शर्ट में अक्सर पाए जाते हैं व्हाइट एक्टिवा में कम रेट लगा दिया जाएगा। और घनश्याम फिर से वीरू की गेंद का सामना करेंगे 52 रन। और इस वक्त जबरदस्त अंदाज में कमेंट्री करते हुए भाई मिक्की मिश्रा घनश्याम के द्वारा और जबरदस्त अंदाज में इस वक्त कमेंट्री आप बताना है। नहीं है बताना नहीं है शांति बनाए रखेंगे सर। कंडेन से एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे थे आकाशवाणी का या बिलासपुर केंद्र। COVID-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है। आप लोग आपस में मत लड़ें और मच्छरों से भी लड़ना है। रिलैक्स अगरबत्ती 10 वाला जरूर खरीदें। और अब वीरू बॉल फेंकेंगे और घनश्याम सामना करेंगे। और ये अगली बॉल घनश्याम के सामने और ये फिर से वही जी हाँ बिल्कुल फॉर्म में नजर आ रहे इस वक्त कमेंटेटर भाई सरकंडा एंड से मिक्की मिश्रा शेरगंडा में। और लगातार उनकी कमेंट्री से हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स में बढ़ोतरी हो रही है। लगातार लगभग 21,000 लोग इस वक्त मिक्की की आवाज सुनने के लिए इस मैच को देख रहे हैं। और घनश्याम फिर से सामना करेंगे वीरू की बॉल का। केजीएफ के बल्लेबाज घनश्याम 64 रन केजीएफ के बन चुके 2 विकेट के नुकसान के बाद। और अगली बॉल मारने का पूरा कोशिश लेकिन बॉल बैट का कोई तालमेल नहीं। और क्या केजीएफ चैप्टर 2 दिखाएंगे क्या। और टीम केजीएफ के कप्तान घनश्याम स्ट्राइक पर उपस्थित है। उनसे उम्मीद आशा और होप जो होती है वो बहुत ज्यादा है कि वो केजीएफ के स्कोर में बढ़ोतरी करेंगे। 64 रन 2 विकेट के बाद। और अगली बॉल वीरू की गेंद का सामना करेंगे घनश्याम। बहुत अच्छा कोशिश लेकिन 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 थोड़ा सा वेट। और अब एम्पायर देंगे निर्णय। अब थोड़ा डिस्प्ले में काफी सूझबूझ और तैयारियों के साथ जो यहाँ पे सिस्टम की व्यवस्था की गई है उसके बाद याद किया गया है। थर्ड अंपायर का निर्णय आना शेष। जी हाँ मुख्य निर्णायक द्वारा थर्ड अंपायर को याद किया गया है इस वक्त।
रोक लगी हुई है, अब थोड़ी देर में हम आपको यहाँ पे सूचना दे देंगे और लगे हुए स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। थर्ड एम्पायर के रूप में हमारे आयरन समिति के प्रमुख ईशान भंडारी जी कुछ ही समय में डिसीजन देंगे। इस आयोजन के थर्ड एम्पायर हमारे बड़े भाई ईशान भंडारी जी रहते हैं। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप 2021 दसवां गौरवशाली वर्ष जिसका लुप्त उठा रहे हम सभी और आपको इस मैच का आंखों देखा हाल सुना रहे सरकंडा के सुप्रसिद्ध कमेंटेटर मेरे युवा साथी भाई मिक्की मिश्रा, अत्यंत रोमांचक आज का यह अंतिम मैच। दोस्तों अभी अभी हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि हमारे व्यूअर्स कोनी के बहुत से हैं जो कि केजीएफ का मैच देख रहे हैं, उनके माध्यम से लाइव के कमेंट के माध्यम से हमको पता चला है कि केजीएफ का आप सभी अपने फोन पे एलईडी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या निर्णय रहने वाला है। और देखिए दोस्तों को आप हेलो मयंक भाई, वो सभी जितने भी हमारे खेल प्रेमी वाला शायरी सुनना चाह रहे हैं, वो जो छोटा था तो विनीत कप वाला, क्या है मनीष वाला जो था। हाँ, धन्यवाद भाई विशाल ताम्रकार जी। और दोस्तों अत्यंत रोमांचक पहली इनिंग का यह मैच चलता हुआ लाइव देख रहे दर्शकों के माध्यम से पता चला था कि केजीएफ का पूरा नाम कोनी ग्रीक फाइटर है और विनायक भाई का आगमन हुआ है। आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मयंक भाई हो मनीष वाला बता देंगे एक बार। प्रहार किया है यहां पे, छक्का लगा है दोस्तों और इसी 6 रनों के साथ केजीएफ का कुल योग जा पहुंचा है 70 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वीरू के दूसरे छठे टीम के लिए कुल रास्ता देखना पड़ा है। अभिषेक बल्लेबाज के पास देखना है कितना रन जोड़ पाती है केजीएफ की यह टीम को।
ग्रीक फाइटर हमें अभी लाइव देख रहे हैं। जो लाइव के माध्यम से यूट्यूब में 7070 स्पोर्ट्स व विनीत कप 2021 के माध्यम से इस अत्यंत रोमांचक मैच का लुप्त उठा रहे हैं। प्रहार किया छह रन जुड़ते हुए बल्ला खो आयोजन समिति का हमारा भाई मनीष अरोरा बहुत छोटा था दोस्तों तब वह अपने घर वालों को कहता था कि न जाना है मुझे किसी शॉपिंग मॉल न जाना है किसी प्ले क्लब घर वालों दिखा दो ना प्लीज मुझे यह क्रिकेट का महासंग्राम विनीत कप। आज मनीष अरोरा आयोजन समिति का हमारा भाई लाइव डी स्पोर्ट्स एसोसिएशन का सदस्य है समिति का सदस्य है बहुत ही बहुमूल्य योगदान रहता है मनीष अरोरा जी का इस आयोजन को आप सभी के समक्ष लाने में। दोस्तों यह एक भावुक घड़ी हम सभी के बीच में दिशाहीन गेंदबाजी अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ और शीनू के द्वारा अच्छा कैच लिया धीमी गेंद थी प्रहार स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से इस कैच को लिया है खोमेश ने। नए बल्लेबाज आए हैं खोमेश जो कि सामना करेंगे मनीष की गेंद का। मनीष अच्छी गेंदबाजी का परिचय देते हुए अपने व्यक्तिगत कोटे का दूसरा व टीम के लिए सातों अब तक आठ गेंदें फेंकी है आठ गेंदों पर 11 रन दिए हैं और बहुमूल्य दो विकेट हासिल किए हैं। दो बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है मनीष ने और बिलासपुर इंड से गेंदबाजी कर रहे हैं मनीष। मनीष की गेंद का सामना करेंगे खोमेश नए बल्लेबाज देख रहे हैं क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। प्रहार फील्डर लेकिन देखना है अंपायर का निर्णय आता हुआ चार रनों के लिए। आप सभी देख सकते हैं अपने फोन पे एलईडी स्क्रीन पे किस प्रकार से प्रहार लगाया था और छह रन दोस्तों यहाँ पे कैमरामैन सतीश भैया के माध्यम से हम सभी को फोन पे दिखता हुआ निर्णय कि 6 रन था। यह मुख्य निर्णायक को बाउंड्री की गेंद देखने में थोड़ी दिक्कत जरूर हुई थी लेकिन यहाँ पे दोस्तों विनीत का किसी भी प्रकार का कोई चूक नहीं हो सकता है इस क्रिकेट के महासंग्राम में। टीम 70-70 बहुत ही अद्भुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई विनीत कप 2021 के इस महासंग्राम में बॉम्बे से आई हुई यह टीम है। कमेंट्री बॉक्स के ऊपर मौजूद इस मैच के हर एक लम्हे को कैप्चर करते सतीश दादा अगली गेंद सामना करते खामोश खोमेश प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन देखा दिशाहीन गेंदबाजी वाइड बॉल का इशारा आता हुआ मुख्य निर्णायक रितेश राय जी के द्वारा अतिरिक्त रन जुड़ते हुए अब तक 4 अतिरिक्त रन आए हैं
इस बार फिर से प्रहार किया है लेकिन खासा संपर्क नहीं बल्ले से, लेकिन एक रन चुराने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। आपसी तालमेल अच्छा दिखाई देता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में यहां पे दोस्तों। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं बल्लेबाज घनश्याम, ऑरेंज कैप पहने हुए प्रहार पे किस प्रकार से घनश्याम ने अपने बाहुबल का प्रदर्शन किया है। यहां पे प्रहार कर रहे हैं घनश्याम, बड़े बड़े शॉट लगा रहे हैं। ओवर की अंतिम गेंद सातवें ओवर की मनीष की, सामना करेंगे घनश्याम। ऑरेंज कैप पहनकर खेल रहे हैं, 18 गेंदों पर 36 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं, व्यक्तिगत रन बनाए हैं। प्रहार करना चाह रहे थे, संपर्क नहीं, गेंद कमर पर लगी और स्लिप में खड़े फील्डर के हाथों में। इसी के साथ ही सातवें ओवर का पतन हुआ है दोस्तों। 7 ओवर की समाप्ति पर केजीएफ का कुल योग जा पहुंचा है 91 रन 3 विकेट के नुकसान पर खेल परिसर के मैदान पर। और यहां पे बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। यंगिस्तान भिलाई शुरुआत थी लेकिन उसके बाद ओवरों में केजीएफ के बल्लेबाजों ने अच्छा कमबैक दिखाया है, अच्छे रन जोड़े हैं। 7 ओवरों में केजीएफ का कुल योग 91 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 18 गेंदे फेंकी जानी शेष पहले इनिंग के इस मैच में। बैटिंग पावर प्ले है, करंट रन रेट चलता हुआ 13 का दोस्तों, देखेंगे तो प्रति ओवर अपने अनुभव का क्या परिचय देते हैं क्रिकेट के रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के इस महासंग्राम में। रामू की गेंद का सामना करेंगे खोमेश, प्रहार किया मनीष, 25 नंबर की जर्सी पहने ब्लू कलर की कैप लगाए मनीष, अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने को मिला, फुर्ती से क्षेत्ररक्षण करते बेलतरा से गेंदबाजी का मान संभाले रामू की अगली गेंद सामना करते खामोश खोमेश। प्रहार करना चाहिए लेकिन थ्रो कीपर का और एक रन तेजी से पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। आपसी तालमेल गजब का दिखाई दे रहा है, रनों के महत्व को समझ रहे हैं, एक एक रन तेजी से चुरा रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं बल्लेबाज घनश्याम और इस ओवर में देखना है क्या कर पाते हैं। फुल टॉस खड़े क्षेत्ररक्षक 28 नंबर की जर्सी पहने अशोक, अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने को मिला अशोक के द्वारा, निश्चित तौर पे 3 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं खोमेश जो कि सामना करेंगे बेलतरा इंड से गेंदबाजी कर रहे रामू की गेंद का, देखना यह है दोस्तों क्या होता है इस गेंद पर। प्रहार की
रक्षण देखने को मिला अजहर के द्वारा, फुर्ती से गए और गेंद को दबोच लिया अपने दोनों ही हाथों से, अच्छा थ्रो देखने को मिला। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं घनश्याम, लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, रनों के महत्व को समझ रहे हैं। प्रहार गेंद वहीं पे रुक गई, बल्ले का किनारा जरूर लगा था लेकिन बल्ले का किनारा लगने के बाद गेंद बॉडी देखना है क्या क्या अंतिम या मैं अत्यंत रोमांचक प्रहार चौरानबे रन 3 विकेट के नुकसान पर खेल परिसर के मैदान पर। पहले इनिंग के दो मजबूत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भारत मजबूत टीम के नाम से जानी जाती है यंगिस्तान भिलाई और केजीएफ दोस्तों को ग्रीक फाइटर्स बिलासपुर की छत्तीसगढ़ की मजबूत टीम अपने होम ग्राउंड में खेलती हुई दो मजबूत टीमें एक और अजहर की गेंद सामना करते खोमेश प्रहार और बल्लेबाज इस बार और इस बार दिशाहीन गेंदबाजी का परिचय अजहर के द्वारा, और आप देख सकते हैं कि गेंद बाहर थी काफी, कोई चूक नहीं यहां पे अंपायर। अगली गेंद अजहर की प्रहार पूरा किया यहां पे दोनों ही बल्लेबाजों ने, एक रन बखूबी चुरा रहे हैं लगातार, प्रहार करना चाह रहे हैं यहां पे बल्लेबाज खोमेश। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं घनश्याम जो कि 37 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं। अजहर की अगली गेंद सामना करते घनश्याम, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी प्रहार किया जरूर, क्षेत्र रक्षक मौजूद श्रीनु, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। आपसी तालमेल अच्छा दिखाई देता खोमेश प्रहारक छोर पर और प्रहार किया अपने हाथों में लपका है दोस्तों सीमा रेखा के पास खड़े रामू। लूज गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, प्रहार किए इतना और पवेलियन की ओर लौट चुके हैं खोमेश।
16 योगदान दिया है अपनी टीम के लिए खोमेश ने, और अब नए बल्लेबाज आए हैं राजेश प्रहारक छोर पर खड़े। 9वें ओवर की अंतिम गेंद, अजहर के दूसरे ओवर की व्यक्तिगत कोटे की अंतिम गेंद, सामना करेंगे नए बल्लेबाज राजेश। देखना है क्या होता है अंतिम गेंद पर, कितने रन आते हैं या विकेट होता है दोस्तों। आज का यह अंतिम व अत्यंत रोमांचक मैच जिसका लुत्फ उठा रहे हैं हम सभी। प्रहार किया कुल योग जा पहुंचा 109 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी करंट रिक्वायर रन रेट चलता हुआ 12.11 का प्रति ओवर रन बना रहे हैं केजीएफ के बल्लेबाज। पहले इनिंग के अंतिम ओवर का खेल शेष रह गया है, 6 गेंदे फेंकी जानी शेष, 6 गेंदों पर कितना रन बनता है, कितनी बाउंड्री लगती है देखना है दोस्तों, और कितने रनों का लक्ष्य देते हैं यंगिस्तान भिलाई को केजीएफ के बल्लेबाज। अपने व्यक्तिगत कोटे का दूसरा व टीम के लिए अंतिम ओवर लेकर आए हैं 5 नंबर की जर्सी पहने ऊंचे कद काठी के गेंदबाज रामू राव। यंगिस्तान भिलाई के अनुभवी गेंदबाज रामू राव गेंदबाजी कमान संभाली अंतिम ओवर के, बेलतरा इनसे गेंदबाजी करेंगे और रामू की गेंद का सामना करेंगे प्रहारक छोर पर खड़े बल्लेबाज, आक्रामक बल्लेबाज ऑरेंज कलर की कैप पहने घनश्याम, जो कि 23 गेंदों पर 38 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रहार की उनकी नजर गढ़ सी चुकी है इस पिच पे, इस मैदान पे। अगली गेंद रामू की, सामना करते घनश्याम, फिर से प्रहार किया है लेकिन क्षेत्र रक्षक मौजूद और अच्छा क्षेत्र रक्षण देखने को मिला निश्चित तौर पे 2 के लिए, लेकिन आपसी तालमेल बहुत ही गजब का दिखाई देता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में तेजी से 2 रन चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। घनश्याम अच्छी बल्लेबाजी का परिचय देते हुए शुरू से टिके हुए हैं दोस्तों, अपनी लड़खड़ाती बल्लेबाजी के क्रम को संभाला है और प्रहार फुल टॉस रही हूं बल्ले से गेंद हवा में और रामू ने अपना नियंत्रण रखते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है। घनश्याम पवेलियन की ओर लौटते शीतल नए बल्लेबाज आए हैं शीतल, देखना है शीतल क्या भूमिका अदा करते हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए, कितने रन जोड़ते हैं। पहले इनिंग की 3 गेंदे अंतिम है जो फेंकी जानी है दोस्तों, 3 गेंदों पर कितना रन बनता है और ये कितने रनों का लक्ष्य देती है यंगिस्तान भिलाई के सामने आज का अंतिम व अत्यंत रोमांचक यह मैच। प्रहारक छोर पर राजेश प्रहार बल्ले से लगी थी अगेंद, खासा संपर्क रही, 1 रन तेजी से पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, रनों के महत्व को समझ रहे हैं, 1-1 रन बखूबी तेजी से चुरा रहे हैं यहां पे। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं नए बल्लेबाज
शीतल मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी संभालने और प्रहार किया है, लेकिन बल्ले से खासा संपर्क नहीं, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। बॉलर यहां पर रामू, थोड़ा सा पैर लचकता है रामू का, दिखाई दे रहा है हम सभी को दोस्तों, रनिंग कर रहे हैं, तेज रनिंग करते हैं, तेज गेंदबाज है रामू यंगिस्तान, भिलाई के पैर लचक गया थोड़ा सा उनका। इस इनिंग की अंतिम या गेंद, अंतिम गेंद पर क्या कुछ होता है देखना है दोस्तों। प्रहार आदि ने बहुत ही ऊपर जज करना मुश्किल होता है, लेकिन अच्छा यहां पे नियंत्रण रखा अपनी नजरों पर, अपने हाथों पर। और इसी के साथ ही दोस्तों पहले ओवर, पहले इनिंग की समाप्ति हुई है। केजीएफ का कुल योग जा पहुंचा है 10 ओवर की समाप्ति पर 119 रन, 120 रनों की दरकार यंगिस्तान भिलाई को अगर यह मैच जीतना है और विनीत कप के दूसरे चरण में, अगले चरण में अपनी जगह सुनिश्चित करनी है, तो अच्छी बल्लेबाजी का परिचय दिया एक सम्मानजनक स्कोर देखना है। विनीत कप के अगले चरण में अपनी जगह सुनिश्चित करती है।
अनुभवी बल्लेबाज, अनुभवी गेंदबाज, अनुभव शीतल की पहली गेंद सामना करते सुनू पहली जित्तू ने कीपर की भूमिका में जित्तू संभालकर बल्लेबाजी करनी होगी अनुभवी गेंदबाज। और दोस्तों आप सभी को आउ आगे के मैच ला मैं आप मन ला सुनाए लाए हवा तो देखथन की का हो काफी रोमांचकारी स्थिति में चल दिया हवा तो छत्तीसगढ़ हम सुनाओ है मैच के हाल चल ला तो देखा का हुआ थे इधर ही तो बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करत हवा अशोक हवर एक नंबर गेंद डाले माहिरे तो देखथन कैसना आउ गेंदबाजी डाल सकत है दो गेंद में दो विकेट ले डाले है अशोक औ अशोक शीतल है माफ कीजिए शीतल के गेंद जो अशोक हर अच्छा बल्लेबाज हवा देखा था ना का कर सकते अपन टीम पर निश्चित ही एकदम अच्छा बल्लेबाजी करे के आवश्यकता है रनआउट बना ले और विकेट ले तको बचा ले हवा और अगली गेंद डाले बल्लेबाज गेंद ला नहीं भापे सकी से ता कुछ रन नहीं और एको विकेट तको नहीं खोई से गेंद में अच्छा गेंदबाजी कही सकत है इस वक्त गेंदबाज शीतल के और अगला गेंद लेकर तैयार है शीतल हर सामना करी अशोक एक अशोक बॉलर औ सत्तर सात औ सात गेंदबाज राकेश के कतिले हुआ था वह आओ बहुत ही अच्छा गेंदबाजी करा थे दारी राकेश अच्छा वापसी कही सकते राकेश के और मोर जम्मो संगवारी मन लग
अगला गेंद लेकर तैयार है गेंदबाज राकेश सर। आउट। आओ राकेश अपन ओवर के अगला गेंद लेके तैयार है सामना कर ही दिग्विजय। केजीएफ टीम के कतीरे और नया बल्लेबाज आए है रामू कहां पर देखे कौन और नहीं बना सकती थे गेंद मां अब तक जबरदस्त उड़ता दूरा दौड़ अशोकर शॉट नहीं लगा पाई से और एक साथ ओवर हर तमाम खत्म हो गए तिरागे और दो ओवर तिरागे यंगिस्तान भिलाई की टीम हर अच्छा टीम है लेकिन काफी इधर ही मुश्किल भरे हालात में नजर आवा थे तो देखेल पड़ी कैसना खेल सकते है इधर ही यंगिस्तान भिलाई की टीम हर आओ देखे पड़ी बना आओ नया गेंदबाज राजा एक नंबर गेंदबाज है अपन टीम के नौ नंबर के जर्सी पहने हवा है और इसने गेंदबाजी की आवश्यकता है टीम ला जबकि अगर ये मैच ला जीतना है यंगिस्तान भी लाई ले तो मैं बताना चाहूं उनका लगातार तीसरिया मैच है लेकिन खेल और जोश में बिल्कुल कमी नहीं आए जबरदस्त खेल और पूरा दबाव में बुहा गए यंगिस्तान भिलाई की टीम हर आओ अगला गेंद लेकर तैयार है अपन गेंदबाज हर सामना कर ही मनीष सर आओ बैठ के भीतरी पारी लगी से गेंद हर आओ कोई रन नहीं आओ अगला गेंद लेकर तैयार है गेंदबाज राजा हर सामना कर ही मनीष सर अशोक हर माफ करा आओ गेंद बैठ के कुछ संबंध नहीं हो सकी से भाई राज नामदेव हाउ आर यू आओ असो
कैप्टन विलायक टीम है काफी खराब। जी हाँ, अपन नाम के पूरा उल्टा खेला था वायदारी यंगिस्तान भिलाई के टीम। हाँ, आओ मैं बताना चाहूं कि ये आओ एलईडी स्क्रीन में फिर ले आप सब मन देख सका था कि 22 गेंद में 106 रन के जरूरत हवा है तो देखेल पड़ी कि कितना रन बना सका थे के नहीं बना सका थे। और गेंदबाजी करे लाए दारी फिर ले गोल्डी भाई 8 नंबर के कुर्ता पहने हवा है देखेल पड़ी क्या कर सका थे। आओ सामना करी दारी मनीष पांडे हर आओ प्रहार करे यह जोरदार मुकाबला यहां केजीएफ के गेंदबाज है आउ जा आउ अगला गेंद ले करता है यार गोटी आउ आओ क्षेत्र रक्षण में थोड़ा गड़बड़ी हुई से तेकर फायदा उठा के एक रन उड़ता दूर दौड़ा के दौड़ के पूरा कर ली से दोनों बल्लेबाज मान अब फिर ले स्ट्राइक मांगे है बल्लेबाज अशोक हर जबकि गेंदबाजी कमान संभाले हुए है वक्त गोल्डी है आ उड़ता दूर दौड़ा जाके सीधा गेंद ला स्टंप का दिमारी से कोई मौका नहीं रही से इधारी बैट्समैन के पास और अगला गेंद गोल्डी के मैं बताना चाहता लेकिन एक रन दो रन ले काम नहीं चलने वाला है लगातार बनाए पड़ी और छक्का जगह दगो लगाए पड़ी तो देखेल पड़ी कि लगा पाते धुन नहीं। और अगला गेंद लेकर तैयार है गोल्डी हर आओ बेट लो उल्टा घुमा के मार रहा चाहत रही लेकिन बेट और गेंद के बीच में तो छुआ बेच नहीं करी से आओ जोरदार गेंदबाजी हुआ थे दारी केजीएफ की टीम के कतिले जबरदस्त गेंदबाजी दिखा थे केजीएफ की टीम हर और थोड़ा सा चुटिल हो गए वार्म अप करा थे अशोक हर आ सकता है दोनों बल्लेबाज ला प्रहार करे के विकेट तो गंवा चुके हैं अगर मैच में जीतना है तो लगातार प्रहार करे के आवश्यकता हवा है जरूरत है देखेल पड़ी का करी अब पुनः इधारी फिर ले हमन मैच में वापस आता देखेल पड़ी कि का हुई मैच ल दो अब तक अपन कदी पूरी तरह से खींच डाले है केजीएफ की टीम आओ जोरदार गेंदबाजी करा थे केजीएफ के गेंदबाज गोल्डी अगला गेंद लेकर तैयार है आओ का हुई देखा तो रही
22 रन बना है, जबकि 22 रन बनाया ला 6 विकेट गंवा चुके हैं टीम तो देखेल पड़ी का हो ही काफी मुश्किल में नजर आते दारी यंगिस्तान भिलाई के टीम जिसना नाम है तो खेल बिल्कुल नहीं दिखाए दारी ये टीम मन तो देखा था का हो ही आगू दारी अगला ओवर लेकर आए गेंदबाज शुभम हर उल्टा धुर्रा बल्ला ला चला रही से लेकिन गेंद और बैट के बीच तो कुछ छुआ बेच नहीं करी से रन कहां ले बनी अच्छा गेंदबाज है शुभम बताओ मैं हाँ छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध गेंदबाज तको हवे देखेल पड़ी का हुई शुभम आओ मारे जबरदस्त कैच पकड़ी हवे लड़खड़ा गया और लाइव में मेरे साथ भाई परिवेश धर मोस्ट वेलकम परिवेश छत्तीसगढ़ी में कमेंट्री सुना रहा हूँ सुनो और जैसा कि उम्मीद रही से तेकर पूरी तरह से विपरीत बल्लेबाजी दिखाई से हमारा यंगिस्तान भिलाई की टीम 22 रन में 7 जबरदस्त विकेट लगवा दिए है तो देखेल पड़ी कि कैसना खेल सकते है मैच है तो खाली फॉर्मेलिटी बन के रह गए है देखेल पड़ी कि का हो ही अगला गेंद डाला थे सुबह में सामना कर रहे थे 28 नंबर के जर्सी पहने बल्लेबाज और एक रन चुराए में कामयाब हो गए दोनों बल्लेबाज मन आओ मोर जम्मो जबरदस्त गेंदबाजी कोई मौका नहीं दे पाते रन बनाए के शानदार शुभम दबा बल्लू और मेरे सभी दर्शकों से मैं अगर माफी चाहूंगा छत्तीसगढ़ी में कमेंट्री करने का प्रयास कर रहा हूं अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिएगा हम सब छत्तीसगढ़िया है तो सोचा कि छत्तीसगढ़िया में इस मैच को कमेंट्री करने का प्रयास करता हूं तो पुनः वापस छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज में इस मैच का आगे का आंखों देखा हाल सुनाता हूं मैं आप सभी का साथी इस मैच का लाइव कमेंट्री करते हुए राज कश्यप और इसी बीच एकरे बीच में एक आउट के कोनो मौका नहीं रही से दोनों बल्लेबाज के पास मां और एकरे साथ ही फिर ले ओ बात की जगह 23 रन बना है और 23 रन अगला गेंदबाज है राकेश हाँ मैं बताना चाहूं अपन को टके है दूसरा ये ओवर लेकर बल्लेबाज अशोक हर 12 गेंद मनोरन बना है लेकिन ये सब ले काम नहीं चलना है प्रहार करेल पड़ी आओ बल्ला ला घुमा रही से जोरदार घुमा रही से भाई मयंक सिंह गौतम जी से अनुरोध करूंगा स्टेज पर आ जाएं मयंक सिंह गौतम जी इस आओ आपके और विकास सिंह ठाकुर जी के हाथों दिया जाएगा आओ लेकिन उतना ताकत नहीं मिली से गेंद ला तो एक रन ले संतुष्ट होल पड़ी खुशी खुशी रहल पड़ी अब का करबे होतेगा क्रिकेट हवा और अगला गेंद राकेश के आओ बाहर निकली से और मोर बड़े भाई इधर ही जेन मुख्य अंपायरिंग के भूमिका पर हवा है करण मेहता जी अपन दोनों हाथ ला सोच करी से और वाइट बॉल के इशारा दी से
ये भी अब एक विकेट से यंगिस्तान भिलाई के तका हो ही देखे ला बढ़ी और जी हाँ मोर संगवारी मतलब बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़िया में सॉफ्ट रही थे नरम रही थे तबे कही जाते छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और राके मारे ला चाहत रही से लेकिन एक घाव मोर बड़े भाई अंपायर करण मेहता भैया हर दोनों हाथ ला सोच करी से वाइड बॉल के इशारा दी से एक विकेट आना शेष हवा है देखेल बड़ी की कितना रन आउ बना पाही आउ क्लीन बॉल आओ इस मैच का मैन ऑफ द मैच बिलासपुर इस मैच के मैन ऑफ द मैच की घोषणा करेंगे राज अभी अभी आहूजा डॉक्टर आलोक सुल्तानिया सिद्धि विनायक ट्रेडर्स प्रोप्राइडर मिस्टर अमन दीवान टुटेजा फर्नीचर्स प्रोप्राइडर मिस्टर अशोक टुटेजा माहौल रेस्टोरेंट रायपुर रोड बिलासपुर प्रोप्राइडर मिस्टर बंटी पवनानी होटल जीत कॉन्टिनेंटल शिवटाकी चौक बिलासपुर प्रोप्राइडर ठाकुर के द्वारा प्रतीक उपवेजा न्यू मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा प्रोप्राइडर मिस्टर अमन कलवानी निशा डेली नीड्स सरकंडा प्रोप्राइडर मैन ऑफ द मैच बताएंगे हरचंदानी केक वॉकर्स प्रोप्राइडर मिस्टर विक्की गोंडवानी रॉयल किंग मिस्टर घनचे प्रोप्राइडर मिस्टर राजेश बहुत बहुत ऐश पांडे जीएन प्लेस प्रोप्राइडर मिस्टर रक्तिम सरखेल ब्रांड स्टोर शू कलेक्शन प्रोप्राइडर मिस्टर एडी ताम्रकार पूर्णिमा ज्वेलर्स जूनी लाइन बिलासपुर प्रोप्राइडर मिस्टर मनोज सोनी बेकर्स फार्म एंड कैफे इबीजा तारबहार चौक प्रोप्राइडर मिस्टर विशाल विधानी प्रोटीन हब प्रोप्राइडर मिस्टर जिशान खान विनायक रियल्टर्स एंड टूरिस्ट पैकेजेस प्रोप्राइडर मिस्टर आशीष कपूर अरोरा ट्रेडर्स सरकंडा प्रोप्राइडर मिस्टर मनीष अरोरा ममाया टेंट एंड केटरर्स सरकंडा प्रोप्राइडर मिस्टर रविंद्र देवांगन बिलासपुर मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर राजीव प्लाजा बिलासपुर प्रोप्राइडर मिस्टर पिंटू यादव कार गैरेज सिपा चौक सरकंडा बिलासपुर प्रोप्राइडर मिस्टर पंकज साहू रियल टेल्स एक्सप्रेस नेटवर्क प्रोप्राइडर मिस्टर सौरभ